हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि बाजार जैसे आलू के चिप्स आप घर पर बिल्कुल आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। पहले क्या होता था, जो हम आलू के चिप्स बनाते थे उनको पहले घिसा जाता था, उसके बाद बॉईल किया जाता था, फिर कड़कती धूप में सुखाया जाता था। ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाती है, बट जब कभी हमारा मन करे हम ये वाले वीडियो में आप देखेंगे इसको कभी भी आप ऐसे आलू के चिप्स बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ये वाले आलू के चिप्स कैसे बनाते हैं। यह मैंने मीडियम साइज़ के 5 आलू ले लिए हैं, उनको अच्छे पानी से धो लिया है, अब एक प्लेट में निकालना है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें सारे आलूओं को मैं इस तरीके से किस के डाल दूंगी। इसमें बहुत आराम से किसना है, बिकॉज हाथ कटने का डर रहता है, थोड़ा ध्यान से किसना है आलूओं को। सारे आलूओं को मैंने एक साथ किस दिया है और इसको लो फ्लेम पर ही 10 मिनट के लिए होने देना है, और बीच में बिल्कुल भी चलाना नहीं है, बिकॉज़ अगर बीच में चलाएंगे तो ये टूट सकते हैं। 10 मिनट बाद ये कुछ इस तरीके से हो गए हैं, ये अभी चिपक रहे हैं, इनको अभी 5 मिनट और होने देना है, क्योंकि इस तरीके से आप इन जो चिपक रहे हैं उनको हटा सकते हैं पर पलटना नहीं है, पलटने से ये टूट सकते हैं। तो अभी 5 मिनट बाद ये अपने आप चिपकना बंद हो जाएंगे। पाँच मिनट के बाद ये चिपकना बंद हो गए हैं, अब यहाँ इनको पलट सकते हैं। इस तरीके से यहाँ मैंने पलट दिया है, अब बस ये 2 मिनट में रेडी हो जाएंगे बनकर, 2 मिनट और चलाना है। अब इनको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, ये हो चुके हैं, ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। इस तरीके से आप इसको सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।